क्सरसाइज नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है उसको हम बनाएंगे इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक बता रखा है आपको तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जो एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेवनटी मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल ठीक है एक सेवेंटी मीटर हाई जो है लाइट हाउस है Uh, uh, जो नीचे ऊपर से जो है नीचे सी लेवल की तरफ uh, कोई देख रहा है नीचे सी में देख रहा है ठीक है जो समुद्र है वहां पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री तो इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स देखो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ फिर मैं आपको फिर से ये समझा दूंगा जो क्या कह रहा है तो 75 सेंटीमीटर का एक लाइट हाउस सबसे पहले आपको बनाना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक 75 मीटर की लाइट हाउस बना देता हूँ मैं ये 75 सेंटीमीटर की ये सॉरी मीटर की ये लाइट हाउस है 75 फाइव मीटर की ये है आपका लाइट हाउस ठीक है ये जो है बिल्कुल सी लेवल पे है यहाँ पर जो है ये सी है मतलब समुद्र है यहाँ पर ठीक है तो यहां पर जो समुद्र है तो यहां पर देख लो आप यहां पर जो है एक सी है मतलब बोट है यहाँ पर ठीक है यहां पर बोट है और ये यहां से कोई जो है ये इस बोट को देख रहा है ठीक है इस बोट को देख रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा ठीक है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला बनेगा और कह रहा है ये जो लाइट हाउस है ये एंगल आपका थर्टी डिग्री का है ठीक है उसके बाद कह रहा है जो एक ही साइड मतलब इधर ही साइड में एक ही साइड में ये जो बोट है ये एक और यहाँ पर है मतलब एक बोट जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है तो आ, मैं यहाँ भी एक क्या करता हूँ एक बोट बना देता हूँ यहाँ पर ठीक है ये भी एक बोट है और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये ये जो है कम्प्लीट ये फोर्टी डिग्री का बन रहा है ठीक है ये इतना सा क्वेश्चन कह रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी और मैं इसे ई e पॉइंट देता हूँ मतलब देखो अब मैं ये मैंने क्वेश्चन इसको मैंने फिगर बना दिया मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस ठीक है देखो 75 मीटर की हाई लाइट हाउस मैंने इसमें बना लिया है ठीक है देखो तो उसके बाद क्या कह रहा है द एंगल ऑफ सॉरी लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स दो शिप्स है जो मैंने यहां पर दो अलग अलग शिप बना लिया एक सीपी एक सीपी है ठीक है दो शिप मैंने बना लिया है जो इसका डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो थर्टी डिग्री और फोर्टी फाइव डिग्री है इसके बाद कह रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहड टू अदर शिप एक शिप जो है जस्ट इसके पीछे है दूसरा शिप ठीक है तो उसका क्या रहा है जो सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मतलब इसके दो शिप्स के हमें डिस्टेंस बताने हैं क्वेश्चन यही है इतना सा ये है तो अभी देखो सबसे पहले इसमें जो है आपको एंगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो देखो आपको पता है ये एक लाइन है और ये एक लाइन है ठीक है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा क्योंकि ये भी एक सीधी लाइन है ये भी नीचे में भी एक सीधी लाइन है तो और मान लो आप ये जो ए डी है ये जो ए डी आप ए वाले पार्ट को भूल जाओ ये लाइन नहीं है तो ये ए ई जो है ये बी डी के पैरेलल होगा और ए डी जो है ये ए डी जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और यहाँ जो एंगल बनेगा ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ठीक है क्योंकि देखो ये ए जो है ये पैरेलल है बी डी का और ये ए डी जो है ये ए डी लाइन ये क्या है ट्रांसवर्सल है तो यहां पर जो एंगल बनेगा थर्टी डिग्री वही यहां पर भी होगा थर्टी डिग्री ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सिमिलरली देखो ये एंगल जो है ये फोर्टी फाइव डिग्री है ये फोर्टी फाइव डिग्री है तो जिस तरीके से एई पैरेलल है बी डी का और उस तरीके से हम क्या करेंगे ए सी को हम ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है तो आप चाहे तो इस तरीके से समझ सकते हो नहीं तो इसको आप दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो इस तरीके से आप इसमें दोनों का डिफरेंस जो है इजीली निकाल सकते हो नहीं तो देखो अगर ये एंगल यहां पर 30 डिग्री है अगर ये एंगल यहां पर 30 डिग्री है तो आपको पता है यहां पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री का बन जाएगा अगर ये 45 है तो ये आपका छोटा सा एंगल 45 डिग्री बन जाएगा तो आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हो तब भी आपका सवाल आंसर सेम आएगा तो मैं क्या करता हूँ इसी मेथड से चलता हूं तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए यहां पर मैंने थर्टी डिग्री कैसे लिखा है और यहां पर फोर्टी डिग्री कैसे लिखा है ठीक है चाहे तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख ही देता हूँ जैसे मान लो इसमें है जो ए, ए जो है वो पैरल है बी डी का ठीक है ए ई जो है वो बी डी का पैरल है और ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो ए डी है ए डी ओ ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा एंगल ई ए डी एंगल ई ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी का एंगल ए डी बी का और इसका वैल्यू थर्टी डिग्री है तो इक्वल टू तो एंगल ए डी बी तो यहां पर एंगल ए डी बी ए डी बी इक्वल थर्टी डिग्री कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सिमिलरली ये भी हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं सॉल्यूशन पर डायरेक्ट ठीक है ये मैंने आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए किया है आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो आपको निकालना क्या है ये सी डी निकालना है मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है ये निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इन ट्रैंगल ए बी डी ए बी डी इस बड़े वाले ट्रैंगल में आ रहे हूँ ठीक है ये लाइन जो बीच वाला लाइन है ये लाइन नहीं है इसमें जो थीटा हो जाएगा वो थर्टी डिग्री का होगा तो इसमें आप कॉम्बिनेशन देख लो इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर है और ये पार्ट आपको बी डी निकालना है देखो मैं बी डी और बी सी निकाल लेता हूँ उसके बाद बी डी में से क्या करूंगा बी सी निकाल माइनस कर दूंगा तो सी डी आ जाएगा ठीक है तो मैं पहले बी डी निकाल लेता हूँ तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेन में आ रहा है पी बाई बी तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपको टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू पी कितना है ए बी और बी डी ठीक है मतलब P बाय बी मैंने लगाया ये हो गया P और ये हो गया B मैंने P बाय बी लगाया है यूज किया है इसमें तो देखो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना होता है टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन बाय रूट थ्री ठीक है टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ए बी ए बी का जो वैल्यू है वो सेवनटी फाइव मीटर दे रखा है और नीचे में बी डी आपको निकालना है तो बी डी मैं यहाँ से निकाल लूंगा तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बी डी इक्वल आ जाएगा सेवनटी फाइव रूट थ्री ठीक है बी डी का वैल्यू आ गया सेवेंटी फाइव रूट थ्री इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं क्योंकि बी डी तो हमें पता चल गया आप मुझे बीसी भी पता चल जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा बी डी में से बी सी माइनस कर दूंगा तो इसके लिए अब आप आपको क्या करना पड़ेगा दूसरे ट्रैंगल में आना पड़ेगा इन ट्रैंगल अभी हम बड़े वाले ट्रैंगल में थे अब छोटे वाले ट्रैंगल में ए बी सी इन ट्रैंगल ए बी सी ए ट्रायंगल में भी देखो ये थीटा है और ये ये दोनों निकालना है आपको तो ये दिया हुआ है ये निकालना तो पी बायी हो जाएगा इसमें भी हम टेन फोर्टी फाइव डिग्री लगा देंगे इसमें आ जाएगा आपका टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू पी बाय यानी कि ए बी बाय बी सी ठीक है ए बी बाय बी सी तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री का वन होता है और ए बी सेवनटी फाइव दे रखा है और बी सी हमें निकालना है तो यहां से बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव मीटर ये भी मीटर में होगा तो बीसी का वैल्यू आ गया सेवेंटी फाइव मीटर अब आपको क्या निकालना है सी डी तो सी डी इक्वल क्या लिख सकते हो आप फिगर को देखो इजीली आपको समझ में आ जाएगा तो यहां से मैं सी डी निकाल देता हूं तो सी डी इक्वल क्या आ जाएगा बी डी माइनस बी डी माइनस बी सी ठीक है ये सी डी को लिखूंगा तो बी डी में से मैं बी सी माइनस कर देता हूँ तो सी डी आ जाएगा तो बी डी भी हमें पता ही है कितना है सेवनटी फाइव रूट थ्री और माइनस बी सी भी पता है हमें सेवनटी फाइव ठीक है तो इसमें से मैं क्या करता हूँ सेवेंटी फाइव कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन सी डी का वैल्यू और यही आपको क्या था निकालना था ये मीटर में यही हो गया आपका आंसर तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में वो भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है मैं इसको सबसे पहले रीड कर देता हूँ इसमें जो है ये फिगर जो दे रखा है इसको बस समझा रखा है मैं इसको समझा देता हूँ इसमें कह रहा है जो वन पॉइंट टू मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ऑफ बैलून मूविंग विथ दाइंड इन अ अरिजोंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ एटी टू एटी एट पॉइंट टू मीटर फ्रॉम द ग्राउंड देखो ये ग्राउंड से जो है ये बैलून का जो हाइट है वो एटी एट पॉइंट टू मीटर है ठीक है एक लड़की है कोई यहाँ पर जो वन पॉइंट टू मीटर टॉल है लंबी है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून्स फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स गर्ल्स की आईज यहां पर है तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों का जो इसका बन रहा है ये डिग्री का बन रहा है और इसका जो बन रहा है ये थर्टी डिग्री का बन रहा है यहां पर थर्टी डिग्री का बन रहा है तो आफ्टर सम टाइम यही है 30, 60 डिग्री मतलब एक बैलून यहां फिर यहां से यहां आ गया तो उसका इसका एंगल थर्टी डिग्री आ गया तो उसका था है था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब ये बैलून जो यहां से यहां तक आया है उसका आपको क्या करना है डिस्टेंस निकालना है तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने देखो इस फिगर को यहां पर बना रखा है देखो यहां पर जो है ये फिगर देखो आप सेम फिगर है जो इसमें था बुक में था वही मैंने यहां पर बना रखा है यहां पे एक लड़की है 1.2 मीटर की और यहां से जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री है उसका देखो ये पूरा हाइट जो है ये 88.2 मीटर था लेकिन इसमें कह रहा है इसके इसके आईज आईज से बन रहा है तो है 1.2 मीटर तो तो 88.2 में से 1.2 मीटर मीटर अगर आप माइनस कर दोगे 87 मीटर। ये जो वैलून का हाइट हो जाएगा वो 87 सेवन पॉइंट सॉरी एटी मीटर हो जाएगा अब इसको मैं क्या करता हूँ नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी और ये ई e पॉइंट है ठीक है तो आपको क्या निकालना है सी डी निकालना है ये क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपको सी डी निकालना है इसमें तो ये कैसे निकलेगा तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसमें जो ये ये सब लिखा है एटी सेवन ये सब आपको समझ में आ आया होगा हम क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल में बारी बारी जाएंगे एक बार इस ट्रायंगल में एक बार इस ट्रायंगल में उसका ये पूरा निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो इस पूरे में से हम बी सी को माइनस कर देंगे तो सी डी बचेगा क्योंकि आपको इसमें सी डी ही तो निकालना है तो सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल यहां से लिखता हूं मैं देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी में देखो ये हाइट आपको पता है और ये बी सी निकालना है आपको ठीक है बी सी निकालना है तो ये एंगल आपका सिक्सटी डिग्री है तो ये एंगल इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा तो पी वाई बी क्या हो जाएगा टेन थीटा तो टेन सिक्सटी डिग्री तो इसमें आ जाएगा आपका टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू पी क्या है ए सी ठीक है और बी क्या है बीसी ठीक है परपेंडिकुलर और BC, यही है तो इसमें टेन सिक्स का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री इक्वल टू एसी का वैल्यू एटी सेवन है और बीसी का वैल्यू आपको निकालना है तो यहां से अगर आप बीसी का वैल्यू निकालोगे तो ये कितना जाएगा? रूट थ्री बी सी इक्वल टू एटी सेवन हो जाएगा और अगर यहां से अगर आप बीसी का निकालते हो वैल्यू तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा एटी सेवन बाय रूट थ्री तो इसको चाहे तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हो वो हम देख लेंगे अगर अभी सॉल्व करके देखते हैं अगर इसको फैक्टराइज करने की जरूरत होगी तो हम कर लेंगे और नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे देखो तो आ, अब आते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रैंगल बीई डी बी ई डी में तो बीई डी ट्राइंगल हम देख लेते हैं बीई डी ट्राइंगल में भी देखो आप बीईडी ट्रायंगल में भी ये साइड दिया हुआ और ये निकालना है तो इसमें भी टेन थर्टी डिग्री आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा यहां पर टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू इसका पी क्या है ईडी और बाय में बेस क्या है इसका बी ठीक है तो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन बाय रूट थ्री इक्वल टू ईडी जो है वो एटी सेवन है और बाय में बी डी तो बी डी बी डी कितना है आपको निकालना है तो यहां से बी डी इक्वल क्या आ जाएगा यहां से बी डी इक्वल हो जाएगा आपका यहां से बी डी इक्वल हो जाएगा एटी सेवन रूट थ्री हो जाएगा ठीक है एटी सेवन रूट थ्री हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहां पर जो है आपको सी डी निकालना है तो सी डी निकालने के लिए आप फिगर में देखो सी डी निकालने हम के लिए मैं क्या करूंगा बी डी में से बी सी को माइनस कर दूंगा तो बी डी में से मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा बीसी को तो सी डी इक्वल क्या हो जाएगा आप इस यहां पर देखो ये सी डी इक्वल क्या हो जाएगा बी डी माइनस बी सी तो यहां से सी डी इक्वल आ जाएगा आपका बी डी माइनस बी सी ठीक है और सी डी ही आपको निकालना है तो बी डी का वैल्यू कितना आया है ये BC का वैल्यू है तो बी uh, डी का वैल्यू है आपका एटी सेवन रूट थ्री और माइनस बीसी कितना है एटी सेवन बाय थ्री ठीक है इसके नीचे वन कर दूंगा और इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा रूट थ्री और रूट थ्री से, से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एटी सेवन इंटू थ्री हो जाएगा क्योंकि एटी सेवन तो है ही और रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो जाएगा ठीक है और माइनस में कितना हो जाएगा एटी सेवन ठीक है इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसमें अगर मान लो मैं एटी सेवन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ एटी सेवन मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ दोनों में है तो इसमें क्या बचेगा थ्री माइनस वन बचेगा और बाय में रूट थ्री बचेगा ये कितना आ जाएगा एटी सेवन इंटू टू बाय में रूट थ्री ठीक है एटी सेवन देखो थ्री में से वन जाएगा तो टू ही रहेगा और नीचे जो है यहाँ पर रूट थ्री नहीं आना चाहिए तो इसीलिए मैं क्या करूंगा इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा तो फैक्टराइज पहले कर लेता हूँ यहाँ पर तो जगह नहीं है चलो मैं यहाँ लेता हूँ एटी सेवन इंटू टू बाय में रूट थ्री इन में ऊपर में रूट थ्री बाय में नीचे में भी रूट थ्री ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एटी सेवन इंटू टू रूट थ्री और बाय में थ्री आ जाएगा क्योंकि ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि थ्री हो जाएगा थ्री से आप इसे कैंसिल कर दो तो थ्री टू जा सिक्स और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पर कितना बचा आपका ट्वेंटी नाइन इंटू टू रूट थ्री इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा नाइन टू या एटीन का एट और वन कैरी करा टू टू जा फोर और ए फाइव फिफ्टी एट रूट थ्री मीटर यही हो जाएगा आपका आंसर ठीक है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था दोनों क्वेश्चन नंबर फोर थर्टीन और फोर्टीन आई होप आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो uh, इस तरह के क्वेश्चन का मेन प्रॉब्लम क्या है आपको वर्ड्स का अगर वर्ड्स अगर आपको ये बुक में क्या कह रहा है अगर वो समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ